उड़ीसा गवर्नमेंट के मंत्री महोदय ने कहा कि हम पारदर्शी लाएंगे जी। धर्मेंद्र प्रधान जी भी थे, हम लोगों ने, भारत सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की, लेकिन उड़ीसा सरकार और पारदर्शी ये दोनों में दुश्मनी है। फिर मैं जा रहा हूँ दिल्ली, फिर दिल्ली से इनको एडवाइजरी या जो कुछ भी करना होगा करूँगा, लेकिन पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, मकान नहीं बन रहे हैं गरीबों का, बेमानी हो रहा है। इसलिए भारत सरकार इससे थोड़ी सी चिंतित है कि आखिर गरीबों को गरीबों का हक क्यों नहीं मिल रहा है। हमने उड़ीसा के विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कोई कोर कसर नहीं रखा, लेकिन भ्रष्टाचार की दलदल में डूबी हुई सरकार लूट खसोट से ज्यादा कुछ नहीं है। फिर भी हर चीज को पॉलिटिकलाइज करना मोदी जी नहीं करते, मोदी जी तो उड़ीसा के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन नवीन बाबू की सरकार भ्रष्टाचार के लिए प्रतिबद्ध है, बेईमानी के लिए प्रतिबद्ध है, भाई भतीजे बाद नीचे होता कि जिसको हम चाहें उसको दें। अपनी कमियों को छुपाने के लिए ये नरेंद्र मोदी की सरकार को गाली देते, बदनाम करते। ये सरकार ना यहाँ काम होता, यहाँ तो सबसे बड़ा लूट हो रहा है मिनरल, डिस्ट्रिक्ट मिनरल डेवलपमेंट फंड में। यहाँ का ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ का कलेक्टर, यही सरकार चला रहा है। लोग तो मजाक उड़ाते हैं मंत्रियों का, हमने कहा मंत्री से शिकायत करो, कहा मंत्री से शिकायत करके क्या करेंगे, मंत्री से तो बड़ा यहाँ का ऑफिसर है। तो जब ऐसी धारणा जनता में बैठ जाए तो क्या कहेंगे। यहाँ ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनता बेचारा है।